दूसरे संप्रदाय द्वारा गत दिनों पहले मंदिर में मूर्तियां तोड़ दी गई थी। घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल ने इन घटनाओं के विरोध में ज्ञापन दिया। देहरादून से मनोज कुमार की रिपोर्ट। उचित प्रयास है जो हम लोग जो राष्ट्रवादी है उनको सफल कभी नहीं होने देंगे। अच्छा, कोई उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए यहाँ भी काफी इस्लामीकरण हो रहा है, काफी मछलियों का जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आप बढ़ावे की बात कर रहे हैं, डालनवाला में सन 2008 से एक MDDA फ्लैट में अवैध मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, प्रशासन सुप्त अवस्था में और उल्टा हम पर मुकदमे कर दिए गए हैं। हमने पिछले चरण जाकर वहाँ पर विरोध अपना व्यक्त किया था तो प्रशासन ने उल्टा हमको ही आरोपी बना दिया गया। कोर्ट में हमने उसके लिए याचिका डाली थी, कोर्ट में याचिका डालने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि वहाँ पर तत्काल प्रभाव से उनका पूजा पाठ रोका जाए, उनकी हम नमाज रोकी जाए, लेकिन प्रशासन उसको भी करने में नाकाम साबित हुआ। तो आप देखेंगे गली मोहल्ले में मस्जिद और मदरसे बनते जा रहे हैं। अभी राष्ट्रीय दृष्टिपथ संस्थान के आगे पिछले 5 तारीख को जिस दिन ये बवाल हुआ देहरादून शहर में, वहाँ पर भी एक मजार पर नमाज पढ़ने को लेकर प्रशासन के साथ इनका मुस्लिम समुदाय का विरोध हुआ। तो ये जो करने वाले लोग हैं, आप जाने कि ये मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, उन जो जिन लोगों ने वहाँ दंगे करे थे वो लोग वहाँ से पलायन करके यहाँ आ रहे हैं और ऐसी गतिविधियों को अब देवभूमि में अंजाम दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि देवभूमि का माहौल खराब हो और आप देख रहे हैं वो लगातार उसको करने में प्रयास में सफल भी हो रहे हैं काफी हद तक, लेकिन प्रशासन की भूमिका पिछले दिनों अच्छी रही और जिन 2 सिपाहियों ने MDDA ये मुल्ला बिल्डिंग पर उन लोगों को खदेड़ा और हमारे एक हिंदू समाज के एक व्यक्ति की जान बचाई वो सराहनीय प्रयास था। अगर वो पुलिसकर्मी उस समय ना होते तो पेचकस से उस व्यक्ति की जान ले ली गई।